डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले क्लास में हम लोगों ने फिजिक्स में अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक के बारे में पढ़ा था कि अस्थायी चुंबक क्या कहलाता है, विद्युत चुंबक क्या कहलाता है। फिर उसके बारे में हम लोग उसके आगे पढ़ा था कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और उसके चुंबकीय तत्व के बारे में। चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक देंगे चुंबकीय मानचित्र, चुंबकीय मानचित्र के बारे में। जैसे कि आप देख पाते होंगे, हम लोग SST में मैप पढ़ते हैं ना, तो आज हम लोग मैग्नेटिक मैप पढ़ेंगे, यानी चुंबक का मैप, दैट इज चुंबकीय मानचित्र। ठीक है, तो चुंबकीय मानचित्र में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, इसके लिए फर्स्ट अरू दिया जाए। लिखेंगे पृथ्वी के उन स्थानों को जहाँ किसी चुंबकीय तत्व के मान समान हो उन्हें एक रेखा द्वारा मिलाया जा सकता है। उसे चुंबकीय मानचित्र कहा जाता है। देखिए, अब बोला गया कि चुंबकीय मानचित्र किसको कहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि पृथ्वी के उन स्थानों को जहाँ किसका मान समान होता है, तो चुंबकीय तत्व का मान समान हो जाता है। चुंबकीय तत्व, तो चुंबकीय तत्व कौन कौन से हैं पता है? पहला होता है हम लोगों को दिक्पात, ठीक है, दूसरा नमन, तीसरा चुंबकीय क्षेत्र। हम लोग पिछले दिन पढ़े थे कि चुंबकीय तत्व कौन कौन से होते हैं, तो दिक्पात होते हैं, नमन होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। तो कुल मिलाकर ये तीनों को याद रख लेना है कि चुंबकीय तत्व होते हैं। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि पृथ्वी के उन स्थानों को चुंबकीय मानचित्र कहा जाता है जिसमें चुंबकीय तत्व का मान समान हो और उसको अगर एक रेखा द्वारा मिला दिया जाए तो एक हो जाएगा हम लोगों को चुंबकीय मानचित्र। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो चुंबकीय मानचित्र किसे कहते हैं, चुंबकीय मानचित्र क्या कहलाता है, तो हम यही बोलेंगे कि चुंबकीय तत्व का मान अगर समान होता है, चुंबकीय तत्व का मान यदि समान हो तो उनको एक रेखा द्वारा मिलाया जाता है जिसको हम लोग चुंबकीय मानचित्र कहते हैं, राइट। उसके नीचे आरो देंगे, लिखेंगे चुंबकीय मानचित्र में निम्नलिखित रेखाएं होती है। चुंबकीय मानचित्र में निम्नलिखित रेखाएं होती है। पहला रेखा का नाम है, देखिए, समदिक्पाती रेखाएं। दूसरा में लिखिए समक्षेत्रीय रेखाएं। तीसरा समक्षेत्रीय रेखाएं। ध्यान से देखा जाए तो हम लोगों को यहाँ पे यही पता चल रहा है, क्योंकि देखिए चुंबकीय मानचित्र कहते किसको हैं, तो चुंबकीय तत्व का मान अगर समान होगा तभी ना उनको एक रेखा द्वारा मिलाया जाएगा, तो समदिक्पाती रेखा कहलाएंगे, समनमनी कहलाएंगे, समक्षेत्रीय। क्योंकि चुंबकीय तत्व हम लोग पढ़े इसके तीन टाइप्स का होता है। चुंबकीय तत्व में तीन बातें जरूरी है, पहला दिक्पात, दूसरा नमन, तीसरा चुंबकीय क्षेत्र। ये तीनों मान बहुत जरूरी है। अगर इन तीनों मानों का अगर बात किया जाए तो इन तीनों मान का समान होगा तो सब में सम सम लगा हुआ है, सम मतलब बराबर, ठीक है। दिक्पात है तो समदिक्पाती आया, नमन है तो समनमनी रेखाएं आया, चुंबकीय क्षेत्र का तो समक्षेत्रीय रेखाएं आया। तो कुल मिलाकर हम यही सीखे यहाँ पे कि चुंबकीय मानचित्र में यदि चुंबकीय तत्व का वैल्यू मान अगर समान हो जाए तो उसको एक रेखा द्वारा दर्शाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं चुंबकीय मानचित्र। और इसमें कितने निम्नलिखित रेखाएं होती है, समदिक्पाती रेखाएं, समनमनी रेखाएं, समक्षेत्रीय रेखाएं।
अब जरा छोटा छोटा पॉइंट्स है, हम लोग पॉइंट्स कर लेते हैं कि समदिक्पाती रेखा किसे कहते हैं। तो अब टॉपिक बनाएंगे समदिक्पाती रेखाएं, ठीक है, समदिक्पाती रेखाएं, उसके नीचे फर्स्ट कर देंगे, लिखेंगे वे रेखाएं जो जो समान दिक्पात वाले स्थान से, समान दिक्पात वाले स्थान से गुजरते हैं, समान दिक्पात वाले स्थान से गुजरते हैं समदिक्पाती रेखाएं कहा जाता है। समदिक्पाती रेखाएं कहा जाता है। चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे समदिक्पाती का मतलब, देखिए दिक्पात का मतलब होता है डायरेक्शन। जैसे मान लिया कि हम लोग ग्राफ में दिखाते हैं ना 2 4, तो 2 4 यहाँ पे हुआ, सपोज दैट 5 6 यहाँ हुआ, तो समदिक्पाती अगर दोनों अगर इक्वल रहेगा, तो अगर दोनों का वैल्यू को अगर मिलाएंगे तो ये कहलाएगा हम लोगों को समदिक्पाती रेखाएँ। यानी कि अगर दिक्पात का स्थान अगर इक्वल हो, ठीक है, तब उनको एक रेखा द्वारा मिलाया जाता है, उसको हम लोग समदिक्पाती रेखाएँ कहते हैं, ठीक है। इसी के नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे इसी में सेकेंड एरो, शून्य दिक्पात वाले स्थान को, शून्य दिक्पात वाले स्थान को अदिक्पाती रेखाएं कहते हैं। अदिक्पाती 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 दिक्पाती दिक्पाती का मतलब हुआ इसका उल्टा, समदिक्पाती और अदिक्पाती। समदिक्पाती का मतलब हुआ कि अगर दिक्पात का स्थान अगर इक्वल है, समान है, तो उनको एक रेखा द्वारा दर्शा देंगे तो समदिक्पाती हो जाएगा। लेकिन इसी का उल्टा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना शिक्षित, शिक्षित का उल्टा अशिक्षित, ठीक है, अनपढ़, तो अनपढ़ यानी कि पढ़ा लिखा हुआ नहीं, ठीक है, बूझ, बूझ का होता है अनबूझ, ठीक, अनभिज्ञ, ये सब क्या है, तो उसका उल्टा हो जाता है। वैसे ही समदिक्पाती का उल्टा क्या है, अदिक्पाती। समदिक्पाती में हम लोग पढ़ें कि दिक्पात का स्थान बराबर होना चाहिए, तब एक रेखा द्वारा दर्शाएंगे तो समदिक्पाती कहलाएगा। लेकिन अदिक्पाती में आपको दिक्पात कितना होना चाहिए, 0, यानी दिक्पात शून्य रहेगा, तब हम लोग उसको बोलेंगे अदिक्पाती रेखाएं, ठीक है। तो समदिक्पाती के 2 पॉइंट अब लिखा जाए, समनमनी रेखाएं, समनमनी रेखाएं। अब हम लोग समनमनी, ये भी छोटा छोटा पॉइंट्स है, समनमनी रेखाएं लिखेंगे वे रेखाएं जहां पर नमन का मान, जहां पर नमन का मान बराबर हो, बराबर हो और उन्हें उन्हें एक रेखा द्वारा मिलाया जाए, उन्हें एक रेखा द्वारा मिलाया जाए तो उसे समनमनी रेखाएं, तो उसे समनमनी रेखाएं कहा जाता है। देखिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अगर नमन का वैल्यू अगर सेम रहेगा तो हम लोग उसको नाम दे देंगे सम नमनी रेखाएं। लेकिन इसमें भी अगर नमन का मतलब होता है डीप, डीप मतलब गहराई, ठीक है, अगर नमन का मान इसमें भी शून्य हो जाए तब हम उसको बोलते हैं उल्टा, अनमनी रेखाएं, ठीक है। तो इसमें लिखा जाए सेकेंड एरो में, यदि
यदि किसी स्थान पर, यदि किसी स्थान पर नमन का मान शून्य हो जाए तो, नमन का मान शून्य हो जाए तो उसे उसे अनमनी रेखाएं, अनमनी रेखाएं कहा जाता है। यानी कि इसका उल्टा, जैसे अभी समद्विपाती का अद्विपाती देखें, समनमनी का अनमनी देखें, ठीक है। अब लिखा जाए नेक्स्ट, समक्षेत्रीय रेखाएं, समक्षेत्रीय, क्षेत्रीय रेखाएं, समक्षेत्रीय रेखाएं क्या होता है? समक्षेत्रीय, इसके नीचे एरो देंगे, लिखेंगे समक्षेत्रीय रेखाएं में वे रेखाएं, वे रेखाएं जहाँ, जहाँ जहाँ चुंबकीय तीव्रता BH का मान, चुंबकीय तीव्रता, इसको BH बोला जा रहा है, चुंबकीय तीव्रता का मान समान हो, अर्थात अर्थात चुंबकीय क्षेत्र का मान समान हो, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र का मान समान हो, तो ऐसी रेखाओं को मिलाने वाली रेखा, ऐसी रेखाओं को, ऐसी रेखाओं को मिलाने वाले नहीं, ऐसी रेखाओं को समक्षेत्रीय रेखा कहा जाता है। इसमें मिलाने वाले कुछ नहीं, ऐसी रेखाओं को समक्षेत्रीय रेखा। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र अगर दो स्थानों का इक्वल है, एक का भी 10 टेस्ला है, दूसरे का भी 10 टेस्ला है, तो उसको हम लोग समक्षेत्रीय रेखाएँ कहेंगे। तो ये छोटा छोटा पॉइंट था। अब आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि क्या होता है टॉपिक्स हम लोगों का। तो टॉपिक्स लिखा जाए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति, यानी पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। यानी कि हम लोग पढ़े ना पहले कि पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र भी होते हैं। आज हम लोग बढ़िया टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं कि पृथ्वी में जो चुंबकीय क्षेत्र हुआ उसका उत्पत्ति कैसे हुआ, उस वो कहाँ से उस वो उत्पन्न हुआ, है ना। चलिए तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लिखा जाए, फर्स्ट पॉइंट चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति, ये टॉपिक बना लेना है और उसके नीचे से फर्स्ट पॉइंट देना है, लिखना है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति के, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के उत्पत्ति के कारणों की व्याख्या करने के लिए, व्याख्या करने के लिए अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, परंतु कोई भी व्याख्या, परंतु कोई भी व्याख्या संतोषजनक सिद्ध नहीं हो सका, संतोषजनक सिद्ध नहीं हो सका। देखिए फर्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या लिखे ना कि पृथ्वी में जो चुंबकीय क्षेत्र का उत्पत्ति कैसे हुआ। तो अभी हम लोग पॉइंट्स लिखे कि पृथ्वी में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ इसके संबंध में कई सिद्धांत दिया गया, बहुत सारा सिद्धांत दिया गया, लेकिन दोस्तों कोई भी सिद्धांत संतोषजनक व्याख्या नहीं कर पाया, मैंने टू दी पॉइंट उससे संतुष्ट नहीं हुए और भी वैज्ञानिक, इसलिए उसको तरजीह नहीं दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन फिर भी कुछ है जो
जिससे ये पता चलता है कि कैसे पृथ्वी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र आया होगा। ठीक है, चूंकि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी में क्या पाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर पाया जाता है, पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, तो ये इसका उत्पत्ति क्या हुआ। तो पहले लिखे कि बहुत सारा सिद्धांत दिया गया लेकिन कोई भी सिद्धांत सफल नहीं हो सका। ठीक है, मतलब संतोषजनक व्याख्या नहीं कर सका। फिर चलिए सेकेंड एरो लिखते हैं, लिखा जाए पृथ्वी के आसपास लगभग लगभग 30,000 किलोमीटर दूरी तक के 30,000 किलोमीटर की दूरी तक के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति के निरीक्षण, निरीक्षण का मतलब टेस्ट, निरीक्षण से यह पता चलता है कि निरीक्षण से यह पता चलता है कि यह ठीक उसी प्रकार का है जैसे जैसे एक छोटा चुंबक पृथ्वी के केंद्र पर स्थित होता है, पृथ्वी के केंद्र पर स्थित होता है। चलिए दूसरा में लिखा गया, पहला में तो बहुत सारा सिद्धांत दिया गया लेकिन कोई भी सिद्धांत असफल नहीं रहा। दूसरा में लिखा गया कि जब टेस्ट हो रहा था पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति में, तो लगभग 30,000 किलोमीटर दूरी तक निरीक्षण किया। जैसे मान लिया कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर 30,000 यानी कि गहराई में 30,000 किलोमीटर तक, ऊपर वायुमंडल में 30,000 की दूरी तक, ठीक है, और आगे पीछे ऐसे ही पूरा 30,000 किलोमीटर की दूरी तक निरीक्षण किया गया। तो वहाँ से ये पता चलता है कि जब आप जैसे ही पृथ्वी पर एक छोटा चुंबक रखते हैं ना, तो एक छोटा चुंबक का केंद्र होता है, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, और ये चुंबकीय अक्ष होता है, सेम उसी तरीके का दिख रहा है। यानी कि जब निरीक्षण किया गया, टेस्ट किया गया पृथ्वी के 30,000 किलोमीटर दूरी तक, मतलब पृथ्वी के अंदर भी 30,000, इधर भी 30,000, इधर भी चारों तरफ 30,000 किलोमीटर के तरफ देखा गया, तो यही पता चला कि जैसे हम लोग छोटा चुंबक लेते हैं ना, वैसे ही भांति एक चुंबक का जो है स्थिर होगा, कल्पना किया जा रहा है, स्थिर रहता है जो एक अपने अक्ष पर टिका हुआ रहता है। यानी कि जैसे पृथ्वी के केंद्र पर स्थित हम लोग मानते हैं ना, वैसे ही सेम कंडीशन यहाँ पे भी हम लोगों को दिखता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग सीखते हैं कि पृथ्वी के चुंबकन में बहुत सारा हम लोगों को थ्योरी दिया गया, लेकिन एक सिद्धांत है जो सबसे अधिक संतोषजनक है। चलिए उसके बारे में ना हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि बहुत सारा पृथ्वी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसे आया हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, इस सिद्धांत में बहुत सारा थ्योरी दिया गया, लेकिन उसमें से सबसे उत्तम, सबसे अच्छा संतोषजनक व्याख्या है, उसको हम आपको बताते हैं। तो लिखा जाए नेक्स्ट एरो, थर्ड एरो लिखेंगे, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित जो सिद्धांत का व्याख्या किया गया, उनमें से एक सिद्धांत अधिक संतोषजनक है, उनमें से एक सिद्धांत अधिक संतोषजनक है, कॉमा वह इस प्रकार है, वह इस प्रकार है कर करके लिखेंगे। आप पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, पृथ्वी के पिघले हुए आंतरिक भाग में,
पृथ्वी के पिघले हुए आंतरिक भाग में प्रवाहित तो होने वाली संवहन धारा एक एक डायनेमो जैसा कार्य करती है, एक डायनेमो जैसा कार्य करती है जिसे जिसे पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। चलिए यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र का जो उत्पत्ति हुआ वो किस आधार पे किया गया, तो बहुत सारा व्याख्या किया गया, बहुत सारा सिद्धांत दिया गया, लेकिन एक संतोषजनक, सबसे ज़्यादा संतोषजनक था वह इस प्रकार था। वहाँ पे से हम लोगों को पता चला कि जैसे हम लोग एक संवहन धारा पढ़े होंगे, संवहन धारा वह धारा होती है जिसमें कल्पना मान लिया जाता है कि अगर कोई तार में अगर करंट दिया जाए तो ये हमें प्राप्त होगी, एक कल्पना के तौर पे। तो यही एक काल्पित एक विश्लेषण है इसका, कि अगर मान लिया पृथ्वी में के अंदर जो है ना बहुत सारा मोल्टेन स्टेट, पिघला हुआ आंतरिक भाग रहता है, और बिल्कुल सही है, जब आप धरती की खुदाई करेंगे ना तो धरती के अंदर बहुत हाई टेम्परेचर है, इतना टेम्परेचर है ना कि पूछ नहीं सकते हैं, यानी कि धरती के अंदर भी क्या है, एक बहुत आग का गोला है, आग का गोला है, ठीक है। इसलिए अगर आप सोच, अगर आप दिमाग लगाइए तो ऊपर अगर मेरा इंडिया है तो चारों तरफ कोई ना कोई कंट्री होगा ना, यहाँ होगा बेल्जियम, श्रीलंका, कुछ भी, तो अगर हम लोग छेद कर देते हैं और फिर सीधा सीधा रास्ता बना देते हैं अंदर अंदर, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, धरती में हम आर पार छेद नहीं कर सकते हैं, सिवाय कि यहाँ पे आते आते सेंटर तक पहुँचते पहुँचते इतना गर्म जगह हो जाता है कि अंदर पिघला हुआ द्रव, जैसे आप पानी को कैसे उबालते हैं तो हाई टेम्परेचर पे उबलते रहता है, वैसे ही दोस्तों ना पृथ्वी के अंदर भी क्या होता है, हाई टेम्परेचर में द्रव जो है उबलते रहते हैं, जिसको हम लोग लावा भी बोलते हैं। ये जब ज्वालामुखी फटता है ना, यानी कि ज्वालामुखी फटता कैसे है, तो पृथ्वी प्लेट होता है, पृथ्वी में प्लेट प्लेट ऐसे पृथ्वी बना है। तो अगर प्लेट, तो हम लोग जैसे पृथ्वी घूमता है तो प्लेट भी घूमता है, तो प्लेट के अनियंत्रित टकराव से, जैसे आप कैसे बस और ट्रक टकरा जाता है, वैसे ही अगर प्लेट टकराती है तो ये जब प्लेट जैसे ही टकराएंगे ना यहाँ पे, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है, तो वही ब्रेक डाउन से क्या होता है ना कि वो धरती फट जाता है, और यहाँ से हाई टेम्परेचर वाला ज्वालामुखी, जिसको लावा बोलते हैं, है ना, निकलते रहता है। अब वो ज्वालामुखी निकलता है, उस टाइम तक क्या रहता है, पूरा लिक्विड, एकदम पूरा एकदम गर्म, ठीक है, और फिर बहुत सालों के बाद, बहुत 2-4 साल 5 साल के बाद वो ठंडा हो पाता है, इतना गर्म होता है, सोचो। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अंदर भी आग का गोला है और बाहर भी, पृथ्वी के बाहर भी सूर्य क्या है, भी तो हाई टेम्परेचर वाला गोला है ना। तो यहाँ पे एक यही बताया गया कि पृथ्वी के अंदर पिघले हुए भाग रहते हैं, पृथ्वी के अंदर मोल्टेन स्टेट होता है, पिघला हुआ भाग रहता है, जिसमें ऐसा कल्पना किया जा रहा है कि उस पिघले हुए भाग में अगर करंट दिया जाए, यानी कि संवहन धारा दिया जाए, तो धारा ऑटोमेटिक देंगे और वो टेम्परेचर खुद है, तो ये दोनों से क्या बन जाएगा, एक मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगेगा, एक चुंबक जैसा व्यवहार करने लगेगा, और जब चुंबक जैसा व्यवहार करने लगेगा तो इसी के कारण पृथ्वी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र मौजूद होता है। तो ये था हम लोगों का व्याख्या एक कि, चलिए तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग उत्पत्ति कैसे होता है इसके बारे में जाने। अब लिखा जाए टॉपिक, चुंबकीय तत्वों के मान में परिवर्तन, चुंबकीय तत्वों के मान में परिवर्तन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि चुंबकीय तत्व का जो मान है ना वो कैसे परिवर्तित हो जाता है, यानी चुंबकीय तत्वों के मान में परिवर्तित
ये हम लोगों का टॉपिक्स है। इसका मतलब समझ रहे हैं, चुंबकीय तत्व कौन कौन सा? तो पहला दिक्पात, दूसरा नमन रेखाएं, नमन नमन, और तीसरा चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय तत्व के मान में, चुंबकीय तत्व के मान में क्या परिवर्तन होता है उसमें हम लोग देखेंगे, लिखेंगे। उसके नीचे लिखा जाए, किसी स्थान पर चुंबकीय तत्वों के मान में, किसी स्थान पर चुंबकीय तत्वों के मान में समय के साथ परिवर्तन होता रहता है, समय के साथ परिवर्तन होता रहता है, कॉमा, इन परिवर्तन के प्रकार निम्नलिखित है, इन परिवर्तन के प्रकार निम्नलिखित है। पहला दीर्घकालिक परिवर्तन, दीर्घकालिक परिवर्तन। दूसरा वार्षिक परिवर्तन, वार्षिक परिवर्तन। और तीसरा दैनिक परिवर्तन। देखिए, अब रहा बात की चुंबकीय तत्वों के मान में परिवर्तन का मतलब क्या है। तो दोस्त, चुंबकीय तत्व जो होता है ना, इनके मान में समय के साथ हमेशा परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। अब ये जो चुंबकीय तत्व के मान में जो परिवर्तन होता है, ये समय के साथ होता है। अब समय कितने कैटेगराइज में इसको बांटा गया है, कितने तरीके के परिवर्तन होते हैं? तो टोटल तीन तरीके के परिवर्तन। एक दीर्घकालिक परिवर्तन, यानी कि अगर चुंबकीय क्षेत्र अगर किसी स्थान पर स्थित रख दीजिए उसको, कई सालों में उसका चुंबकीय मान, तत्व का मान जो है परिवर्तन मिलेगा। एक होता है वार्षिक परिवर्तन, लगभग एक वर्ष। वार्षिक का मतलब एकदम पूरा कंप्लीटली नहीं है, लगभग एक वर्ष में अगर किसी चुंबक का तीव्रता का मान में अगर अंतर पड़ने लगा, तब हम उसको एक वार्षिक ये परिवर्तन कहते हैं। और दैनिक का मतलब डेली, और ये डेली किसका होता है? तो बहुत न के बराबर होता है, डेली परिवर्तन, दैनिक परिवर्तन जिसको कहते हैं। तो कुल मिलाकर देख पा रहे होंगे कि हम लोग पढ़ रहे थे पार्थिव चुंबक को, और इस चुंबक वाले चैप्टर में, पार्थिव चुंबक, ये खंड 3 का पहला चैप्टर था, जिसको हम लोगों ने पूरा पूरा आज कंप्लीट कर लिया है। अगले बार हम लोग खंड 3 का ही दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि लास्ट होगा। और ये चैप्टर अगर ख़त्म हो जाएगा तो 3 एक्सरसाइज फिजिक्स का ख़त्म हो गया, हो जाएगा मतलब। तो आज के लिए दोस्त इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।